सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुशियां बटोर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड अपनी सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव है और बहुत बहुत सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ, इसी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे। आज की रीडिंग मैं कुछ सेगमेंट में करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर के आज अभी इसी वक्त में, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फिर देखेंगे कि आपको इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में डिवाइन क्या मैसेज देते हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे सेगमेंट्स में मैं आज की रीडिंग करूंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी आप किस एनर्जी में है, ठीक है। तो वो क्या होगा ना कि आप लोग अपने कितना ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रहा है कहीं ना कहीं वो भी आप लोग समझ पाइएगा। तो बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस मीन्स जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है या आप तक ये रीडिंग पहुंचती है उस टाइम की एनर्जी पिक कर रही होगी यूनिवर्स की तरफ से। टैरो की यही एक मैजिक है बोल सकते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत होती है तभी आपके सामने वो रीडिंग आती है या आप उस रीडिंग को सर्च करके उस तक पहुंचते हैं, ठीक है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है सम पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो ये आप यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है। आपको जब लगे कि नहीं मेरा ये पार्ट, ये पोर्शन ऑफ दिस रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। और जब आपको लगे कि हाँ ये पोर्शन तो मेरे साथ रेजोनेट कर रही है तो वो चीज़ आपके साथ वो आप अपने ऊपर ले लीजिए, बाकी और की एनर्जी होगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हैं, तो अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थोड़ा खुद को ना लाइट मोड में ले आइए। किसी तरह की कोई ग्रीफ, किसी तरह का कोई सैडनेस, इन सब सी चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल जाइए। जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं उसको थोड़ा वीडियो को पॉज कर सकते करके उनको थोड़ी देर याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना आपके साथ एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अभी इसी वक्त में किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में, उनके मन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है अभी इसी वक्त में। जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ फॉर्च्यून। वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड, देखिए पांच कार्ड्स मैंने निकाले हैं जिसमें से दो मेजर अरकाना, एक तो एस ऑफ कप्स। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। मुझे जो दिखाई दे रहा है आप अपने पर्सन को लेकर के कुछ चीज़ें हैं, पास्ट में कोशिश बहुत किए थे इनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की। अट्रैक्ट करने के मीन्स मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ही इस रिलेशनशिप में गए थे, शुरुआत जिसने भी किया हो, बीच में आप दोनों में चीज़ें बिगड़ गई, चीज़ें बिगड़ी है और चीज़ों को सही करने की जो कोशिश है, जो एफर्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ से लगाया गया था। अभी क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ना पूरे तरह से यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुके हैं। हो सकता है इस स्टेज में आने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो,
आप अपनी इनर हीलिंग कर रहे हैं, आप अपनी इनर वर्क कर रहे हैं, इसलिए कर नहीं कर रहे हैं कि आपको अपना पर्सन वापस चाहिए, इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपना खुद जैसे आप पहले थे, इस पर्सन से मिलने से पहले उस टाइम में जैसे थे वैसा आप, आई मीन आप क्या हो रहा है ना कि आप खुद को मिस कर रहे हैं, खुद को मिस इसलिए कर रहे हैं, आप पास्ट में जैसे इंसान थे वो कहीं ना कहीं खो गया है, ये आप खुद भी समझ पा रहे हैं। जैसा बीच में गया है आपका, जिस भी सिचुएशन से आप गए हैं, जिस तरह का आपने अपने पर्सन के लिए एफर्ट लगाया है, वो आप रियल में नहीं हो, आप थोड़ा अलग हो। और उस जगह पे मुझे दिख रहा है कि आप जैसे पहले थे वैसे बनने के लिए खुद को हील कर रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, ये चीज़ अगर आप रियलाइज़ किए हैं कि सबसे पहले इस दुनिया में मैं हूँ, मुझे मेरा केयर करना है, मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना है, अगर ये चीज़ आप समझ चुके हो और उस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो सिर्फ खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की हीलिंग के लिए, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत कुछ गिफ्ट्स एज अ गिफ्ट मुझे मिलने को दिख रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ अबंडेंस भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ का आपने पूरी तरह से यूनिवर्स में छोड़ दिया है कि इस रिलेशन का जो होगा होगा, मुझे खुद को हील करना है, उस रिलेशन को फिर से आपके लाइफ में वापस ला रहे हैं हमारे यूनिवर्स। जिस इंसान को आपकी कदर नहीं थी, जिस इंसान ने आपके साथ कुछ गेम खेला, जिस इंसान ने कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपको झूठ बोलना, आपसे चीज़ें हाइड करना, बहुत कुछ हो सकता है, आप बाद में जाने हैं इस इंसान के बारे में, और बहुत कुछ इस इंसान ने भी आपसे छुपाया है, वो सब कुछ आपके सामने आ चुका है। और ये पर्सन का अभी तक जो एनर्जी मुझे दिख रहा है ना, इनका कोई भी गिल्ट नहीं था कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, इनको लगा कि हाँ मैं तो सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अभी क्या होगा, आने वाले डेज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वन मंथ से लेकर के टू मंथ्स, इसके अंदर आप देख पाइएगा इस इंसान में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि ये जो पहले एक ग्रांटेड आपको ले लिए थे, ये कहाँ जाएगी, इसको कहीं जाना ही नहीं है, इसको तो मेरे साथ ही रहना है, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसे एक जो इनका माइंडसेट बन गया था ना, वहाँ पे इनको धक्का मिलेगा। और ये आप खुद से कोशिश करेंगे आपकी तरह बनने की, आपके साथ रिलेशन को सही करने की, इमोशनल जितना आप ओवरफ्लो हुए थे पास्ट में, वो अब आने वाले डेज में आप अपने पर्सन का वो चीज़, वो चेहरा देख पाइएगा। डिवाइन की तरफ से आपको बोला जा रहा है आप अपने लिए जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और इसी एनर्जी में आपको रहना है, आपके सामने बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है जो डिवाइन की तरफ से दिया जाएगा आपको। पहला चीज़ तो आप अपने आप को हील कर पाइएगा, आपको ग्रोथ दिखने में आएगा, आपके कैरियर में, आपके लाइफ में, टोटल लाइफ में एक अबंडेंस देखने को आएगा। आप हो सकता है अभी कुछ भी ऐसा भी कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनको अबंडेंस ऑलरेडी मिलने लगा है, और कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनको और थोड़ा टाइम लगेगा, 10 to 15 days, 10 days, 21 days, 1 month, इस एक टाइम पीरियड के अंदर आप देख पाइएगा आपको कुछ ब्लेसिंग मिलेगा। कुछ लोग होते हैं कि जब वो किसी से कोई पेन मिलता है, हर्ट मिलता है, धोखा मिलता है, तब क्या करते हैं, कर्ज करना शुरू करते हैं। शायद आप भी पहले कभी किए हो, लेकिन जब इस टाइम में आप अपने पर्सन से हट गए हैं ना, तो इस टाइम में आपने कुछ भी नहीं बोला, आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान दिए, और डिवाइन अब देखिएगा आपके सामने उनको पनिश करना शुरू करेगा। पनिश कैसे करेगा, आप जिस स्टेज से गुजरे हैं वो उस स्टेज से गुजरेंगे, और ये आप देख भी पाएंगे या सुन पाएंगे, जैसे भी एक एक केस में एक एक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, बस अपने आप को प्रिपेयर रखिए इस सारे अबंडेंस को पाने के लिए। एक वर्ल्ड की भी एनर्जी है, आपके पर्सन के साथ भी रियूनियन जरूर होगा, और इस रियूनियन में ना
इतनी क्रेविंग आपको नहीं होगी। कहीं ना कहीं खुद को एक ऐसे जगह पे ले जाएंगे ना, जो इमोशंस आप में एक ओवरफ्लो करता था, वहाँ से मैं देख रही हूँ आपका जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी की जो एनर्जी है आपकी वो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो। अच्छा, पहले मैं देख लेती हूँ उनका क्या एनर्जी है, ऑल इन ऑल इन जनरल क्या एनर्जी है, फिर देखूंगी उनका एक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है अभी इसी वक्त में। तो इन जनरल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है इस टाइम में, आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में ले लेना है। विजुलाइज कर सकते हैं कि बेटर एनर्जी कनेक्शन हो। इन जनरल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है, एक से ज़्यादा कार्ड आए थे इसलिए मैं नहीं ली। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इन जनरल क्या एनर्जी है। कुछ स्टकनेस है, कार्ड्स रुक रहे हैं। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, फाइव ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फूल, एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ सोर्ड्स, और भी है देखिए फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी बहुत ही गंदी है आपके पर्सन की, गंदी मीन्स बहुत दुखी है। देखिए आपके पर्सन हो सकते हैं, जहाँ यहाँ पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, देखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन आ जाते हैं, फिर भी मैं बोल देती हूँ यहाँ पर जो है, यहाँ पे एयर साइन मौजूद है, अर्थ साइन मौजूद है एंड फायर साइन मौजूद है। एरीज यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की। देखिए मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, इनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है। क्राइसिस किस में, क्राइसिस हर चीज़ में। क्राइसिस है उनके फिनेंशियल कंडीशन में, उनकी फिनेंशियल पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हो सकता है बहुत बड़ा लॉस का सामना किया है, या हो सकता है किसी ने इनको बिट्रे करके इनके सारे पैसे हड़प लिए हैं, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है। या फिर कहीं पर ये पैसे मिलने का सोच रहे थे, बिजनेस में लॉस, कहीं से पैसे मिलना चाह, वहाँ पर पैसे अटक जाना। एंड सबसे बड़ी बात, इनकी जो अभी फिनेंशियल कंडीशन है बहुत ही खराब हो चुकी है। शायद आपके टाइम में भी इनकी फिनेंशियल कंडीशन आपने बोल, शायद आप लोग बोलोगे कि आपने भी देखा था कि इनका सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उससे भी सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। लेकिन इस पर्सन में अभी भी ईगो बहुत है, ईगो है, चीज़ें क्यों खराब हो रही है वो खुद को समझना नहीं है। ये खुद में मगन रहने वाले इंसान हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास पूरा पावर है और सारा जो आसपास के लोग हैं इनके मुताबिक ही चलेंगे। इनमें इतना पावर है, खुद को एक होता है ना एक किंग की तरह समझना, ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो समझ क्या रहे हैं कि वो एक किंग के जैसा है एंड एवरीवन हैज टू फॉलो हिम और फॉलोअर। ऐसा चीजें उनके सराउंडिंग में भी नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है। नेगेटिविटी बढ़ रही है किस में, उनके आसपास जो लोग हैं वो भी बहुत नेगेटिव है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के लिए आपसे इन्होंने दूरियां बनाई थी, ये पर्सन जो है ना, मुझे दिखाई दे रहा है ये एक सोसाइटी लवर, फैमिली लवर पर्सन है। फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एक सेकंड में हटा सकते हैं। लॉजिकल माइंडेड पर्सन है, ईगोइस्ट है, स्टबर्न है, और ऐसे लॉजिक पे ये अड़ जाते हैं ना, अड़ियल जो बोलते हैं वैसा होता है, वैसी एनर्जी है इनकी। वो खुद भी जानते हैं कि शायद ये गलत है, लेकिन इस तरह से आर्गुमेंट करेंगे कि सामने वाले को हरा दे कि नहीं मैं ही सही हूं। अभी की एनर्जी जो है लाइफ में कोई सीरियसनेस नहीं है इनमें, इनके पास लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पास कुछ करने की क्षमता नहीं है। ही इज़ कैपेबल, ही और शी इज़ कैपेबल, बट वो अपने ही अहंकार में घूमते जा रहे हैं, अहंकार में अपना सारा कुछ ये बिगाड़ भी रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये खुद फादर हो सकते हैं, या फादर फिगर किसी के साथ इनकी कुछ अनबन भी हो सकती है। ये हो सकते हैं कि फिनेंशियली अपने फादर पे डिपेंडेंट है, लेकिन
इनके सराउंडिंग में जहाँ पर भी ये पर्सन है, देखिए सोचिए, अगर आप लोग मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं और आप दोनों में अनबन हो रही है, तो इनकी फैमिली के साथ भी इनकी जो दूरियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये खुद भी समझ पा रहे हैं एंड चीज़ें भी उनके सामने आती जा रही है, लोग इनसे तंग भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दिख रही है इनके फादर के साथ, या फादर फिगर किसी के साथ बहुत बड़ी इशू चल रही है, या ये भी हो सकता है ये खुद फादर फिगर है बट बहुत लॉजिकल माइंडेड है, स्टबर्न है। लेकिन इनकी लाइफ में ना ऐसा, देखिए लव एक चैप्टर होता है ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो मुझे एक भी चीज़ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। एक सब कुछ, हर एक चीज़ इनकी बिगड़ रही है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और कोई भी चीज़ वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है, वो संभालने के मूड में भी नहीं है, केयरलेसली जी रहे हैं कि अपने ही अहंकार में ये घूम रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे आपके लिए इनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स ओनली फॉर माय व्यूअर्स, क्या है अभी इसी वक्त में। ओनली फॉर माय व्यूअर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। चैरियट, अगर आप दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट करना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, एम्परर, ईगो, इनमें ईगो बहुत है। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ वांड्स विथ एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विथ सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ क्रिएट हुई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए, जुलाई एंड अगस्त, ये दोनों मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी तरफ कोई प्रॉपर एक्शन लेते हुए भी आप देख पाएंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि 7 to 8 days में आपके पर्सन की तरफ से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो भी है आप लोग, किसी तरह का कुछ मैसेज, कुछ कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आएगा। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं शिव भक्त है, शिव जी को बहुत मानते हैं। ये पर्सन कुछ ना कुछ रियलाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, रियलाइज क्या कर रहे हैं कि जहां पर भी ये है वहां पर उनको वो खुशियां नहीं मिल रही है जो आपके साथ मिलती थी। तो अभी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ से आपके साथ कम्युनिकेशन करें, क्योंकि जहाँ पर वो हैं वहाँ पर इनको इमोशनली बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, वो इमोशनली वहाँ से डिटैच्ड फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, जहाँ पर भी थर्ड पार्टी तो प्रेजेंट है, थर्ड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वहाँ से खुद को डिटैच पा रहे हैं, मतलब वहाँ पे ट्राई करने पर भी खुद को अटैच नहीं कर पा रहे, डिटैच एक सब कुछ वहाँ पे छोड़ कर निकल जाना है, ऐसी एक एनर्जी उनमें हो रही है। हो सकता है लोग इनको ताने भी दें, आपके साथ ना मोमेंट्स एंजॉय करना चाहते हैं, हो सकता है कोई कॉफ़ी डेट हो, थोड़ा घूमना फिरना हो, आपके साथ कुछ लाइट मोमेंट्स एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ईगो अभी भी है, ईगो है, या किसी किसी पर्सन में फादर इशू भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खुद फादर हो सकते हैं जिसके लिए उनको डर भी लग रहा है कि आप कमिटमेंट मांग ले तो वो क्या करेगा। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे फैमिली मेंबर भी, फैमिली मैन हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी बच्चे हैं, ऐसा भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वो जहाँ पर भी है बहुत बर्डन फील कर रहे हैं उनके ऊपर। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आप दोनों के रिलेशन में ना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले लिया था, रिलेशन को चलाना है आपको, अपने पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना है, तो सब कुछ आपने अपने ऊपर ले लिया था, अपने ऊपर अपने कंधे में सब कुछ ले लिया था कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ करना है। तो उन्होंने किसी तरह का एफर्ट कभी डाला ही नहीं, या डाला भी हो तो अगर आपने 90% डाला तो वो 10%, मैंने एज अ परसेंटेज मैं बता रही हूँ। लेकिन अभी जहाँ पर है ना, उनके ऊपर लोग
रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा देते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते थक गए हैं, तो उनको चाहिए हीलिंग। देखिए मैं यहाँ पर एक क्लियर कट बात बोलूँगी, कोई शुगर कोट मैं नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, आपके पर्सन लेकिन आएंगे इसलिए नहीं कि आपके लिए वो प्यार फील कर रहे हैं, वो आपके पास आएंगे खुद को हील करने के लिए, क्योंकि आप वो हीलिंग एनर्जी उनको देते हैं। अब ये आपका कॉल है कि उनको कितना आप एंटरटेन करते हैं। देखिए सबकी लाइफ अलग होती है, आपको मैं ये बता रही हूँ कि अभी जो आपके पर्सन आएंगे वो पूरी तरह से सिर्फ आपके साथ देने के लिए या आपका पूरी ज़िंदगी साथ देने के लिए, आपको प्यार करते हैं इसलिए ये सब सोच के नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कंडीशन है, देख रहे हैं उनकी सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक से देखिए सिचुएशन, देखिए ऐसे सिचुएशन में वो खुद को हील कहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास, तो इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। तो वो जब वापस आएंगे आप उनको कितना एंटरटेन करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप उनसे बात मत कीजिए, बात डेफिनेटली कीजिए, लेकिन एक लिमिट में कीजिए, इतना नहीं कि आप खुद ड्रेन हो जाए उनको हील करते करते, ठीक है। तो ये था उनकी एनर्जी, अभी देख लेंगे, अभी करंट एनर्जी आपके लिए देख लेंगे कि ठीक है आपकी तरफ जो आ रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, डिवाइन गाइड कीजिए क्या एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स के तरफ। चैरियट एक्चुअली एक स्लो मूविंग एनर्जी है, वो आएंगे आके करूँगा या करूँगी, मुझे हील होना है, ये सब मतलब ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या होगी, जस्टिस। अच्छा आप दोनों में ऐसा भी हो सकता है कुछ लीगल मैटर चल रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है जस्टिस एंड फोर ऑफ वांड्स। रियूनियन की चांसेस है विद इन फोर मंथ्स, ठीक है। सितंबर का मंथ भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उसके पहले ये पर्सन आकर के फिर वापस भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि आपके साथ अगर वो जस्टिस करेंगे तभी उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ से वो क्लियर होंगे, वरना ये कर्मा उनको साइकिल में घुमाते रह जाएंगे, ऐसा उनको फील होगा। और वो फील भी कर पाएंगे कि आपके साथ रियूनियन में आना ही उनका उनके लाइफ का एक मेजर पार्ट है। आपके लिए स्टैंड लेने की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा टाइम है। ऐसे में अगर आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करते हैं तो पूरी तरह से 100% उसको हील करने में मत लग जाइएगा, इस एनर्जी को फील होने दीजिए आपके पर्सन को। आपके साथ वो जस्टिस करेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए भी जस्टिस करेंगे, लेकिन उनको फील होने दीजिए कि उन्होंने क्या खोया है और आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, ठीक है। आप देखिएगा आपके पर्सन इस रियूनियन के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे आप दोनों में रिकॉन्सिलिएशन रियूनियन मुझे दिखाई दे रही है, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रियूनियन, ऐसा नहीं कि एक टेम्पोररी रियूनियन होगा एंड देन चला जाएगा, वो एनर्जी भी है, लेकिन थोड़ा ये जो एनर्जी है आफ्टर सितंबर मुझे दिखाई दे रहा है, एंड सितंबर से फोर मंथ के अंदर आप लोगों में एक रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। इस टाइम में आपको किस एनर्जी में रहना चाहिए, हमारे यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एट ऑफ वांड्स, डिफिकल्टीज होगी आपको थोड़ा सा खुद को रोकने में, आप तो प्यार करते हैं ना, आप चाहते हैं रियूनियन हो जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है सामने, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है इस डिफ़िकल्टी से चलकर ही आपके इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ भी आएगा। किंग ऑफ वांड्स, अभी भी आपके पर्सन उस तरह से स्टेबल नहीं हुए हैं जहां पर चल करके आपको वो स्टेबिलिटी दे, तो आप इस चीज़ को समझिएगा और उनकी एनर्जी को जैसे आज की रीडिंग है इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, पूरी तरह से खुद को ड्रेन मत कीजिए, उनको एनर्जी मत दीजिए,
अभी इस वक्त में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन में अभी भी वो ईगो, वो प्राइड, वो एग्रेशन अभी भी है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बात करेंगे तो खुद को हील करने के लिए। वो अपनी लाइफ में सुकून नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं इसलिए आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझ करके थोड़ी सी उस मैच्योरिटी से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। एंड यू हैव दैट कैपेसिटी कि आप उस चीज सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एंड द स्टार, आपके लाइफ में जो भी विशेस है, हो सकता है इस रिलेशन के अलावा भी आपके लाइफ में कुछ विशेस हैं वो भी फुलफिल होने की मुझे बहुत ज़्यादा चांस दिख रही है। अगस्त एंड सितंबर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं। हो सकता है अगर आप कैरियर के लिए भी कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ से भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। आप टोटली बैलेंस्ड हो जाएंगे उस टाइम में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड आपने जो इनर वर्क कर रहे हैं, आप जो खुद को स्टेबल करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को जारी रखिए। डिवाइन का आपको यही गाइडेंस है। एंड ये भी बोल रहे हैं डिवाइन की, आपके ऊपर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स है। तो ये था आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली है एंड आप इस गाइडेंस को फॉलो भी करेंगे। तो इसी होप के साथ आज की रीडिंग मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी न्यू रीडिंग में। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं न्यू रीडिंग में। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।